अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? दुआ करता हूँ सब खुश रहे, अच्छे से रहे। सैमसंग FRP लेटेस्ट टूल के साथ आज बाईपास करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आगे नहीं जा रहा, जो पहले वाला अकाउंट है वो नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे। यहाँ पे PC पे चलते हैं, टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वन क्लिक लेटेस्ट टूल। ये टूल है, डाउनलोड का तरीक़ा भी मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। आपने यहाँ पे क्रोम पे आ जाना है, ये लिंक है ये वाला, और ये इसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप इंस्टॉल किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लेना है, टूल को डबल क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है या डबल क्लिक करना है, आपका मर्जी है। यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेना है। इसमें आपने अंदर जाना है, अंदर दो फाइलें पड़ी है, या जो पासवर्ड है इसको कॉपी कर लेना है, इससे टूल को ओपन कर देना है। टूल ओपन करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, टूल को डबल क्लिक के साथ ओपन करना है। यहाँ पे वो पासवर्ड पेस्ट कर देना है, ये आ चुका है। इसको अब डबल क्लिक के साथ ओपन कर लेना है। इसका भी पासवर्ड इसमें फाइल में अंदर पड़ी है, इसका जो पासवर्ड है वो फाइल के अंदर पड़ी है। तीन टोटल पासवर्ड तीन है इसके साथ। यहाँ पे आपने FRP एरेस FRP सैमसंग इस पर क्लिक करना है। फोन को आपने उसके बाद पावर अप कर लेना है, और जैसे ही आप होगा आपने वॉल्यूम आप
इसको प्रेस करके रखना है, केबल एंड करके। पहले केबल लगानी है, फिर मोबाइल को अप कर देना है और वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखना है। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा पीसी के साथ। ये आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। दोबारा से रिमूव किया तो वैसे एफआरपी रिमूव हो चुके हैं। अभी यहाँ से आपने देख लेना है कि रिमूव हो चुकी है या नहीं, लेकिन होना तो चाहिए कि रिमूव हो चुकी है। हाँ बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। वाईफाई को यहाँ से आपने अप कर देना है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर भी हो सकता है वाईफाई कनेक्ट करके भी हो सकता है, लेकिन टाइम लेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना है। चैनल पे नए हैं जो लोग सब्सक्राइब भी कर देना है।